कहाँ रहती है? मैं काजीपुरा टंगमर्ग में। हमें यहाँ पर ना ही हमें यहाँ पर बैठने लिए जगह है, ना ही हमें कमरे है यहाँ पर, ना ही हमें ये है बाथरूम है। हमें घर जाना पड़ता है बाथरूम लिए, इसलिए कि हमने यहाँ पर ये बिल्डिंग अगर हमें अच्छी होती है, बनी हुई होती है, तो हम यहीं पर ये होता हमारा बाथरूम, हम यहीं पर जाते। यहाँ जब बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ पर खेलने लिए जगह भी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं खेलने लिए। इसलिए कि हम ये सरकार से ये अपील मांगते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये बिल्डिंग जो टूटी है ये अच्छी तरह बनाई जाए, ताकि हम अच्छी तरह हम यहाँ पर खेल सके, रह सके, अच्छा सा ग्राउंड बनाया जाए। यहाँ पर रहना हमें बाथरूम की भी बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इधर आए पहली दफ़ा स्कूल पर, इधर हमें एक ही कमरा है, हमें बिल्डिंग नहीं है, इधर हमें बिल्डिंग टूट गई है मेहरबानी करके, और हमें एक ही कमरा है इधर। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें स्कूल चाहिए अच्छा, हम कि इधर पढ़ाई कर सके अच्छी तरीके से। मेरा नाम अब्दुल अजीज खान, टंगमर्ग काम कर रहा हूँ। स्कूल वाला मामला तो जंगलात वालों ने वहाँ ऑब्जेक्शन उठाई, वहाँ उन्होंने बिल्डिंग बनाने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मसला अटकता रहा। अब उठाया है अकॉर्डिंगली, हमने उठाए हैं, जो प्रोसेस करनी थी वो प्रोसेस हो चुकी है, लगभग तकरीबन 50% तक कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह इस साल 100% हो जाएंगे, इस साल बिल्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बनेगी बिल्डिंग इंशाल्लाह, तामीर हो जाएगी। पहले मैं इन सबों से मुलाकात करूँगा, जो पंचायत वाले हैं, BEC कमेटी वाले हैं, जो वहाँ के गाजीपुरा गाँव के जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनसे मैं मशवरा ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो एकोमोडेशन की हमें प्रॉब्लम है। अगर वहीं पर 2-3 कमरे किराया पर दे देंगे, हम किराया पर 2-3 कमरे ले लेंगे, नहीं बनते। मैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं यही कोशिश करते आया हूँ कि वहाँ पर कमरे वगैरह नहीं मिलते हैं, जिसकी बिना पर हमने फिर मजबूरन इसको पंचायत में शिफ्ट करना पड़ा इस स्कूल को। वहाँ टॉयलेट की मैं देखूँगा, खुद जाऊँगा वहाँ, विजिट करूँगा, जाकर मैं देखूंगा क्या बात है। इन्होंने किस तरह ये गलत स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास तमाम टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं देखूंगा, हेडमास्टर में ले लूंगा ये बयान।